हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है जफर। तो जी वीडियो देख रहा हूँ बस सब्सक्राइब रहें वीडियो साल में वीडियो चलेगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदी सबक जहाँ में आप सबका स्वागत है। यहाँ पे मैं सनी के लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। शुक्रिया। तुम लोग को पता है दिल्ली का ओल्ड नेम फर्स्ट नेम क्या था? दिल्ली सुना है। इंद्रप्रस्थ। हाँ, ये नाम सुना हुआ मैंने, इंद्रप्रस्थ। आज सारे काम तो चुके हैं, क्या होता है माशाल्लाह। सफाई अभियान नाचा खाना ने जिम्मेदारी उठाई है इसकी, कि मेरी किचन की हालत बहुत बुरी हो रही थी। माँ से कहते इतने कप्स मत खरीदा करो। मेरे बाल बोल रहे तुम्हारे बारे में, कटिंग करानी चाहिए। आज के बाद इस घर में कप और बॉटल नहीं आएंगे। मेरे पास है मेरी बॉटल, तुम्हारे बालकनी सुबह लोग आइडिया अच्छा। किसी को अगर किराए के लिए शादी में चाहिए तो ले लो। दुनिया की चप्पल का कलेक्शन, जूते का कलेक्शन, के पास कप का कलेक्शन है। गुनाह सिर्फ मेरा नहीं है, सभी लोगों का शामिल है। हर बर्थडे पे कप, हर एनिवर्सरी पे कप, ये अभी बर्थडे और कुछ अभी कोलैबोरेशन में भी आते हैं। समझ ही ना आती बंदा कहते हैं। साजू का दिल कह रहे ना, दिखा बोतल, दिखा बोतल, दिखा बोतल। गिवे कर, ये फाइनल हो गया है। घर में ना कप ना बोतल कुछ नहीं आएगा। कितनी बोतल ले लिया, हाथ तोड़ दूंगा उसको। किचन में मधुमक्खी आ गई, अब कैसे कुकिंग करूं? यहाँ पे मेरा मसाला जल जाएगा। अम्मा लाइट बंद करो। वो तो उधर चली गई अंदर ना, मेरा मसाला। चलो गैस बंद कर दो। सनी ने ये तरीका बताया था, लेकिन कसम से फ्रेंड्स, ये तो बच्चे छिले ना ऐसे ही प्रोसेस से। ये वाला क्यों टूट गया इनके सामने? सनी ने यही प्रोसेस बताया था, ऐसे करके छील रहे हैं, ऐसे हल्का सा कर लो और फिर अच्छा तरीका है बहुत। देखिए पास आइए, जरा नजर डालिए, देखने में इतना अच्छा। ये मैंने नहीं कभी इस तरह से सॉल्विंग खाया। रिजा वॉक करके बैठी है एक घंटा, इसलिए पसीना पसीना हो रही है। यहाँ पे सारा अपना लग रहा है अच्छा, बट ट्यूशन का काम कर रही है। इतनी देर से आज आप आए हो घर, वो भी सिर्फ खाना खाने। काम तो पहले करेंगे, उसके बाद तो खाना खाएंगे। बहुत तेज बोलेगी, सुकून से खाऊंगा अंडा आलू। थैंक यू। आलू नहीं डाले? अरे यार आलू नुकसान करेंगे। आलू की मेरी जिंदगी अधूरी है मेरी। बताओ तुम लोग को भी हंसी आ रही ना सनी भाई गाने में? तो तुम्हारी बहन का मजाक उड़ा रहे वो। कोई बात नहीं, आप वो नहीं बस। इसकी बीवी मोटी, उसका भी बड़ा नाम है, बिस्तर पे लिटा दो, गद्दे का क्या काम है। ठीक है, लेकिन अब बातचीत नहीं होगी। खाना बनाना सीख गई, सीरियस नहीं इस बार। सुपर वाला अंडा आलू बनाया है। ये टप्पे है ना गाते। जब मैं फ्री होती हूँ ना तो मुझे लगता है सरप्राइज दूँ, कुछ अच्छा बना के रख। आज मेरा सरप्राइज सफल हो गया। अरे वाह, हमने तो बहुत अच्छे बना, हम लोग तो पूरा पानी कर देते हैं। नहीं क्या बात, पूरा गर्म कर दिए, घी में कर दिए, तो अम्मा को शक्कर पानी पानी वाली भी होती है। मुझे नहीं लग रहा था कि तुम लोग भी खाओगे, इसलिए थोड़े थोड़े ही है। और पीछे सबका लगेज रखा हुआ है। 14 पारा खत्म। चलो माशाल्लाह, कल 15 पारा इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह कबूल करे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सनी ने भी यही बोला कि तुम सीख गए। वो तो खुद डाल लो। पानी नहीं पीती थी मतलब खुद से उठा के। आप इस चीज को अच्छा बोलो या बुरा बोलो इसका मुझे नहीं पता, बस ये कि इन लोगों ने मुझे इतनी ज्यादा मोहब्बत की है बचपन से। अच्छा है, गुड़िया की तरह नहीं रखते, वैसा लगा कि कुछ भी चाहिए बिस्तर पे ले लो, ये ले लो, क्या खाना है हाजिर। तो इसलिए मुझे इतना ज्यादा काम करना अभी नहीं आता है, लेकिन अब मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ। वक्त आने पे सब सीख जाता है। अब सीख गई ना, लेकिन वो दिन थोड़ा आएंगे, तो हमेशा करना है करना, इसलिए आराम दो, उसके बाद तो हमेशा करना है। शादी के बाद इंसान करता ही। और अम्मी ने मुझसे बचपन में काम नहीं कराया, इसलिए तो सीख गई, कुछ भी नहीं करा, लेकिन अम्मी हम सीख गए। देखो वही वही बात कर रहे हैं, ये सब सीख गए, कितना अच्छा वक्त के साथ साथ बंदा कर। बस अभी जो एक कमी है वो ये हो जाता है, जैसे कोई किसी से झिझक हो, कम खुले, कोई पास खड़ा हो तो थोड़ा सा ये लगता है, थोड़ा अकेले में लगता है और अच्छे से बन जाएगा ना। हम लोग कोई दो चार लोग सामने खड़े हो जाएंगे तो वो बात नहीं रहेगी, जो अकेले अकेले के सामने बिगड़ता ही बिगड़ता ही। तुम किस ख्याल में खोई हो, तुम्हें क्या गम सता रहा है?
कन्वर्सेशन सुन रहे ऐसे लाइक कन्वर्सेशन फिर कोई तभी एकदम वही बात सोच रही थी कितना सोच कोई बात नहीं पता है कोई भी चीज को लाइफ में ना सोच के इंसान आजकल मर रहा है जल्दी बाल झड़ जाते हैं बाल झड़ रहे हैं बाल सफेद हो रहे हैं बीमारी हो रही है जो सबसे ज्यादा टेंशन लेते आज से हम और मैं ये वादा करते हैं कि हम दोनों टेंशन नहीं लेंगे ओवरथिंक नहीं करेंगे टेंशन लेने के बाद सोचेंगे उसमें कोई चीज बुरी लगी अरे ना जा कल तुम नहीं वाला खाते पे आ गए क्या अ फ्यू आवर्स लेटर ओके दूसरा सारा इन लड़ाई हो तंग कर रहा था तुम लोग लड़ क्यों रहे थे और वो मेहर क्यों उधर ऐसे क्यों लड़ रहे थे तीनों ये टेडी रखा है उसके साइड में ये हमारी जगह है सोने की ठीक है और ये मेहर की रखी है ये अगर तुम अब आप सही बताइए शालुपी स्टूल हटा दिया शालुपी स्टूल हटा दिया शालुपी अच्छा एक 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 सेकंड तुम ब्लैंकेट क्यों नहीं बताओ चलो सोने पर लड़ाई अच्छा दे रही नहीं मीरस में आ जाती खींच लेती मैं रात कैसे लेती रहती हूँ वजह तो बताओ तो फिर बस यही तो हमें गुस्सा लेकिन ये बेटा गलत बात है ना ब्लैंकेट तो वो भी क्यों नहीं वो अपना ब्लैंकेट लेके जाएगा दो वो लेगी क्यों नहीं लिया ये बता ब्लैंकेट क्यों नहीं लिया ये वाला साफ ही मैं दे देती तुम्हें लगता है मैं नहीं दूंगी तीन दिन से मेरा ही तो हो रहा है बल्कि मैं पूरा रात पहले साथ में लेट के फिल्म देख रहे थे तो क्यों लड़ रहे हो आई कि तुम वॉशरूम गई लेकिन तुमने पानी की बोतल नहीं भरी हम दोनों लेटे थे हमने इतना ही बोला कि पानी दे दो और अच्छा तुमने नहीं भरी उसका तुम्हारा क्या रीजन ही बोला तुम्हें इनसे क्या गुस्सा थी कोई इनसे इनकी कोई बात बुरी लगी होगी सकती और जो भी हुआ खत्म करो नहीं तो अब तुम तीनों अलग अलग रहो सीरियसली लगा कि रोने लगी तो हम उसको देखने लगे मैं हम लोग डर गए थे कि ये आवाज निकाल के कुछ हो गई तो नहीं यार छोटी है बड़ी थोड़ा ना लड़ाई हो गई कि कोई हिलवाने लगे रोने The next day पढ़ ली नमाज सलाम करो सबसे नहीं नहीं लड़ना नहीं चाहिए नमाज हो चुकी है फ्रेंड्स अब चलते हैं देखते हैं क्या हो रहा है क्या हो रहा है भैया सब पंचायत चल रही है यहां पे परसों दो दिन पहले अभी मत डालो डाल के रूम बंद कर देना चीटी कहाँ पे है लंच के बाद मैंने पूरे टाइम किया व्लॉग एडिट अब असर का टाइम हो चुका है नमाज पढ़ते हैं और उसके बाद फिर पियेंगे शाम की चाय इस वक्त घर में एकदम शांति है क्योंकि सब नीचे चले गए हैं रेस्टोरेंट चले गया मैं एकदम अकेली तो चलिए फ्रेंड्स नमाज हो गई अब चलते हैं नीचे अकेले क्या करो बोर हो रही हूँ एडिटिंग भी कर लिया सब कुछ कर लिया चाय पी के आके फिर डिनर की तैयारी करेंगे ये वाला सूट जो पहना है इसका दुपट्टा ही नहीं मिल रहा है ये कलर कितना प्यारा लगता है ना तो मदहा से लिया था अरे मैं जाना है फ्रेंड्स एक जगह की के अरे वो तो दिखाओ जो आपने बीबियां ने सूटा तो चले कार सवार तो तो अम्मी ने भाभी को और हमको दोनों को ईद का गिफ्ट मतलब सूट लिया था तो हम तो चले गए थे तो हमारा लेके सिला के हमारे लिए रखा है तो ये अम्मी की तरफ से ईद गिफ्ट था हाँ पैंट भी डिजाइनर सिलवाया है ये देखिए जो पहने का खिल जाएगा तुम भी दुकानदार चांद रात वाले दिल लेके आए थे कहाँ पहन के जाओगे किसी की शादी कराओ घर में कोई नो कमेंट्स मुझे इस बात पे ध्यान देखो कौन बताओ किसकी शादी हुई किसकी वीडियो देखी नहीं होने वाली बताओ नहीं आना नहीं आना आ गया घूम क्या गए अरे आ गया रुहान के न्यू शूज आए हैं क्यूट है ना अगेन रुहान अगेन गर्मी आ रहा ना ऊपर अब लग जाते हैं काम धंधे पे मतलब अनबॉक्सिंग स्टोरीज पे ये लोग भी आ गए व्हाट आर यू डूइंग इन माय किचन तो सब बर्तन है ना तो उसको सब सेट कर रहे हैं बोलो आई एम सेटिंग यूटेंसिल्स अभी 5 मिनट पहले तुम्हें स्टोरी डाल रही थी अब तुम सूट पहन के आ गई वो वैसी वाली स्टोरी थी जो टांग के डाल रही थी और ये वाली स्टोरी है जो पहन के
डालनी है। और फ्रेंड्स पता है सिर्फ सूट पहन के डालने के लिए पूरा लुक भी उसकी तरह करना पड़ता है, डबल डबल का मैचिंग वो, ताकि जब कोई देखे तो उसको लुक समझ आए। तो ये लोग भी मेरे कोलैबोरेशन में हेल्प करेंगे और इनको पुराना मेहनताना अभी तक नहीं दिया। तुम्हारे मेल सारे हैंडल करेंगे रिजा। जैसे कि आप सबको पता है कि आज है ब्रदर्स डे और भाइयों का दिन है, तो भाइयों के लिए कुछ स्पेशल सोचा था करेंगे, लेकिन आज दिन भर काम था, बिजी था, लेट हो गए। और अभी जब हम बाहर गए तो स्टोर्स बंद हो चुके हैं, तो गिफ्ट तो नहीं हो पाया, लेकिन कुछ ना कुछ तो आज करना पड़ेगा। तो सोच रहे हैं कि भाई को बिरयानी की बिरयानी पसंद है, लेकिन उनकी डाइट भी चल रही है, लेकिन वो उसका चिकन का पीस पीस निकाल के खा लेते हैं, तो उनकी डाइट भी नहीं टूटेगी। सोच रही हूँ कि वही बना लेते हैं। रास्ते में सनी को दिख गए मोमोज, तो यहाँ पे मोमोज खाने लगे हैं। अच्छे मोमोज है ये वाले भाई। Oh my God. अब एसी के पास मुंह लगाए और गरम खा लो। सनी ना कर। वो गरम है। एंड यहाँ पे टाइम मिल गया तो सब कर रहे हैं। गरम है। अब होता खाली थी, ठीक हो गया है। ये सही। लेट नाइट बन रही, जल्दी जल्दी बन रही, तो सब मिलके मेरी हेल्प भी करते जा रहे हैं। फ्रेंड्स ये हो गया है, सरप्राइज मेरा रेडी। वाओ। बेल मत बजाना मेरा। दिल कर रहा मेरा। बिरयानी देख के आ गए थे हम लोग, उसके बाद बैठे फिर आके अपना इंस्टाग्राम का काम कंप्लीट किया, क्योंकि कल दिन भर बहुत ज्यादा बिजी रहने वाला है। यह पाकिस्तान होता है, चीकू मारते थे हमें, निकलते थे खाने के लिए। ये बर्गर खा रही है। वाह भाई, बर्गर ही सैंडविच ले गए। अच्छा इनका ना 36 कांगड़ा है, कैसे मिलता भी है पर की जाना। बस कल इनकी कितनी बुरी लड़ाई है यार, की लड़ाई। हां हां, तो आज ना सबका चीट डे था, मतलब रिजा का, ये बच्चों को ही कभी तो बच्चे खाते हैं, तो इन लोगों ने बाहर से बर्गर मंगाया। रिजा के लिए मैं बाहर का नहीं खाऊंगी, मैं घर पे सैंडविच बना दूंगी। बहुत अच्छी बनाई मेरा रिजा ने चीट डे। नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है, 10 मिनट की वॉक कर ली जब का मैं इधर आया हूं। कुछ तो हो ही जाएगा, शूज गंदे हैं, धोना है, लेकिन अभी के लिए चलो काम चला लिया। फिर आ गए थे भाई भाभी के घर पे, वहां पे कुरान पढ़ी थी, तो फिर मैंने अपने चिया सीड्स पीने थे सुबह से, तो फिर मॉर्निंग में सबसे पहले मैं ये पीती हूँ, तो अभी मैं वो बना रही थी। फिर हमें जाना था एक अकीके में, मैंने आपको बताया था, तो फिर हम बच्चे के लिए गिफ्ट लेने आए थे, तो यहाँ पे हम पेंडेंट देख रहे थे कौन सा अच्छा लगेगा, तो फिर हमने ये अल्लाह वाला चूज किया। फ्रेंड्स हमने गिफ्ट ले लिया है, अब चलते हैं घर, रेडी होते हैं फिर निकलते हैं। मेरे साथ ये लोग भी जा रही है, इनके पास सारे कैजुअल वेयर्स है, जींस टॉप। अब अकीके में थोड़ा सा वैसा होना चाहिए, एथनिक टाइप का, ये इसके पास कुछ है नहीं, तो रिजल्ट एक तो ये दिया, ये ट्राई कर रही है, समझ नहीं आ रहा। दूसरा सट्टी बैंड घाटमपुर बिल्कुल मत पहनो ये। चले रेडी हो चुके हैं फ्रेंड्स, निकलते हैं। अभी देखो रेडी हो गए लोग, अम्मा मेरा हिजाब ना खोले दूर से, बड़ी मुश्किल से जा रहे हैं। सिग्नल जा रहा है, हिजाब बांधे होंगे उन्हें पता होगा। अच्छा लग रहा, अच्छा लग रहा। अम्मी की पसंद का है, अकीका है, बाल भी बड़ी मुश्किल से बनते हैं। बीबियां ने प्यार दे दिया, सारा बेड़ा गर्क कर दिया, जमीन जल्दी। बंदा अच्छे दे दे प्यार। अच्छे दे दे प्यार। चलो चलो आ जल्दी फटाफट से। कितने मतलब सामने जाओ। नहीं इतने इन लोगों को कपड़े नहीं मिल रहे थे, और अब तो इतना ज्यादा मतलब कपड़े मिल रहे हैं, मैं मेरा इतना इतना ज्यादा कपड़े मिल रहे हैं, और अब तो इतना ज्यादा ये मेरा इत्तेजाज है। मेरे कम वाले कम टाइम लगा उसके टाइम। तू नाक के बगल लिपस्टिक लगाया क्या? मैं लाल लाल दिख रहा मुझे। ओए रेहान अच्छा लग रहा है। हमेशा ब्लॉग देखते बाद तो मिलना जुलना होता ही नहीं है, बस ऐसे फंक्शन में कभी मिल लिया इंशाल्लाह तो अच्छा हो जाता है। डिफरेंट बंदा होता है ना मिल के। बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, बहुत अच्छा लगा यार। कहाँ चले गए? चले गए। सलाम कैसे? मेरी मम्मी है। किसी को बताइए मत, हम सबको देखते हैं। और हम लोग सबको देखते हैं। सलाम वालेकुम, कैसे हैं? आपका बहुत बड़ा फैन हूं। ये तो हीरो है। ब्लॉगर जब मिलते हैं सब 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 साथ में। सलाम कैसे हैं? तो लग कैसा रहा आप लोगों को यहाँ पे आके? अच्छा तो नीरा सुफियान से फर्स्ट टाइम मिले, बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरी बात जुहान को फर्स्ट टाइम देखा, माशाल्लाह बहुत क्यूट है, छोटू सा अभी सो रहा है।
ये जगह भी बहुत अच्छी है। नहीं नहीं थैंक यू, ना समझना कि अपनी फैमिली के साथ मैं डेली व्लॉग देखती हूँ, सुबह का व्लॉग देखना जब पूरी फैमिली दिखती है ना व्लॉग में आप सबकी, तो बहुत अच्छा लगता है। वही अच्छा लगता है माशाल्लाह, व्लॉग में वही सब फैमिली फैमिली और बाकी सब लोग जोक रहती है सबकी, अंदर बहुत मस्ती करते हैं, बहुत मस्ती, सेम तुम्हारी कॉपी। और लास्ट ईयर वाला मैंने आपको बकरा भी देखा था जो बीमार हो गया था, वो भी बीच में आपने बकरा कल ही तो बेचे। अच्छा सब लोग व्लॉग देखते सबके। तुम्हें कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा है मम्मी, कि मतलब ये था कि क्या पहनेंगे क्या पहनेंगे, लेकिन फाइनल लुक दोनों का बहुत अच्छा है। कल की अच्छा लग रहा है, तुम्हें अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छी और इतना अच्छा व्लॉग दिख रहा है खूबसूरत से इस जगह की वजह से, मेरे और रिजा के लिए जेड प्लस सिक्योरिटी है तीनों ब्लैक में, वाइड एंगल। फाइनली उठा है हमारा सुकून, हम उठाए तो हमने बोले कि चलो आपसे मिला लेते हैं। सुहान पता है यहाँ पे सब क्यों आए? खाना पीना हो चुका है, जैन भाई आ जाओ अभी। कौन है सुहान? कौन है? बहुत प्यारा डेकोर, ये कोई स्टेशन, ये भी खाने का है। मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, ये भी खाने का है ना, इतना बड़ा इतना बड़ा, मैं तो सोया था जब मेरा बहुत अच्छा खाना था और हर चीज चली नहीं बात, उठाऊ उठ के रोटी खा ली। मैं आपको बता दूं ये है मुदस्सर भाई, हाईवे ब्रिज के ओनर। आपने देखा आते साथ ही वेन्यू की इतनी तारीफ की, पूरा क्रेडिट इनको जाता है कि इनका है ये रेस्टोरेंट। और साथ साथ दिल के भी बहुत अच्छे इंसान है भाई, इनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि अल्लाह ऐसे लोगों से बहुत कम मिलवाते हैं, जो किसी को अगर आज इस मुकाम पे है ना तो मुझे भी बता रहा है कि भाई तुम ऐसा कर लो वैसा कर लो, तो बहुत अच्छा लगा मिल जाए, अप्रिशिएट करना चाहिए। तो हमने रेस्टोरेंट का तो बता दिया, और ये जो इतना प्यारा डेकोर जिसकी हम तारीफ कर रहे थे वो इन्होंने किया है, नाम है जी प्रोडक्शन हब। अच्छा बना है, तारीफ बनती है। थैंक यू सो मच सनी भाई, थैंक यू सो मच, प्यारा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, चलिए वेलकम फिर मैं आपका बहुत बहुत वेलकम। ओ हो, बताएं कैसे करते हैं? आई लव यू ऑल। इतना कॉन्फिडेंस फुल कॉन्फिडेंस। तुम्हारा बर्थडे कब आता है? मैंने नहीं ऐसे की के देखे कभी, तुम लोग कौन सा डाइट पे ले लो ना, ले लो। गाइस अभी फाइनली सभा का जाने का टाइम आ गया, बहुत टाइम से बेचारे सभा यहाँ पर आए, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच ऐसा आने के लिए, और हमारी तरफ से एक छोटा सा टोकन ऑफ लव। अरे ये थैंक यू सो मच, फर्स्ट टाइम हम मिले तो थैंक यू, गिफ्ट देना है हमारी तरफ से एक छोटा सा प्यार है आपके लिए, थैंक यू सो मच, नई नई दोस्ती की शुरुआत है। ये भी होता है। बच्चा क्यूट है माशाल्लाह, फैमिली फोटो टाइम। बहुत अच्छा लगा, निदा सुफियान ने बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया, सबको पूछा बताया, मतलब उनके साथ मिलके अपनापन लगा और सबको बहुत मजा आया, फैमिली जैसा ना, और उनकी फैमिली ने भी बहुत, हाँ मतलब हमें ऐसा लगता है कि हमारी फैमिली है वो, मतलब तुम लोगों को कैसा लगा ये बताओ? बहुत अच्छे लगे, और आज तो डाइट भी टूट गई, मीठा खा लिया, लेकिन यहाँ की आइसक्रीम बहुत अच्छी थी। बस आ चुके हैं घर, बहुत ज्यादा ट्रैफिक मिला, लेकिन फिर बाद में रोड साफ था, और अभी निकाल रहे हैं मुझे ये लेंसेज। तुमने क्या किया आज इतनी देर? थोड़ा टीवी देखा, थोड़ा सबके साथ बैठा और बातें की, बस ऐसे ही। अब कल तो चलोगी? हाँ हाँ। प्लीज लाइक एंड शेयर।
ओके अच्छा था व्लॉग वैसे, नो डाउट की बहुत बहुत बड़े हो रहे हैं। मैं तो वही कह रहा था कि लाइक खैर करो जो मर्जी करो, मिलते हैं फिर, बाय बाय।